हाय एवरीवन, मैं हूं श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक इंडिगो साड़ी को 8 डिफरेंट तरीके से कैसे स्टाइल कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट स्टाइल है उसमें मैंने ये इंडिगो साड़ी को पेपलम टॉप के साथ पेयर किया है। जैसे साड़ी की नॉर्मल ड्रेपिंग करते हैं हम, वैसे ही साड़ी को ड्रेप कर रही हूँ मैं। वन राउंड मैंने कमर के पास टक कर लिया है और उसके बाद मैं ये शोल्डर की प्लीट्स बना रही हूँ। इस तरीके से रफली गैदर करके प्लेट्स को मैं अपने शोल्डर पे रख लूँगी। जितनी लेंथ आपको रखनी है आप अपने हिसाब से लेंथ को रख सकते हैं। नी से नीचे रखने पे आपकी हाइट थोड़ी अच्छी दिखती है। कमर की प्लीट्स बनाने के लिए आप ऐसे 3 फिंगर्स का यूज़ करते हुए प्लीट्स बना लेंगे और फ्रंट प्लीट्स एक बार बन जाए तो फिर आप उसे वेस्ट में टक कर लेंगे। क्योंकि ये एक रेड ब्राइट कलर मैंने यूज़ किया है ब्लाउज़ के लिए, तो आप इस लुक को किसी भी इवनिंग पार्टी आउटिंग में ट्राई कर सकते हैं, ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। एक बार फ्रंट की प्लीट्स बन जाए फिर आप उसे इस तरीके से नेवल के पास टक कर लेंगे। उसके बाद जो आपके शोल्डर की प्लीट्स हैं उसे आप इस तरीके से ओपन पल्ला रखेंगे और पिन की मदद से उसे सिक्योर कर लीजिएगा, सो दैट कि वो साड़ी हिले नहीं। उसके बाद मैंने ज्वेलरी के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया है। यहाँ पे मैंने ब्राइट रेड कलर की बैंगल्स पहनी है और सिल्वर कड़े पहने हैं। उसके साथ ये वाला सेट पहना है मैंने, एक्चुअली ये ब्लाउज़ के कलर से मैच हो रहा था। सो ये मेरा इवनिंग पार्टी लुक रेडी हो गया है। नेक्स्ट लुक के लिए आप अपने इंडिगो साड़ी के साथ कोई भी कॉन्ट्रास्ट प्लेन ब्लाउज ऐड कर सकते हैं, जैसे ग्रीन, येलो, पिंक, रेड, ये काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट लुक के लिए मैंने टैन टॉप के साथ इंडिगो साड़ी को पेयर किया है। ये मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट लुक के लिए मैंने इंडिगो साड़ी के साथ प्लेन इंडिगो ब्लाउज़ के साथ आप ऐड करेंगे, ये लुक आप अपने ऑफिस में ट्राई कर सकते हैं। ऑफिस वियर में इंडिगो साड़ी को इंडिगो ब्लाउज़ के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट लुक में मैंने अपने इंडिगो साड़ी को एक वाइट क्रॉप टॉप के साथ पेयर किया है। सो इस तरीके से आप वाइट क्रॉप टॉप के साथ भी पेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लुक में मैंने अपने इंडिगो साड़ी को एक ब्लैक स्कर्ट के साथ पेयर किया है। सबसे पहले आप अपनी शोल्डर की प्लीट्स बना लेंगे। इस तरीके से आपको प्लीट्स बना लेनी है। उसके बाद आप अपने प्लीट्स को एडजस्ट करेंगे और आप उसे अपने लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे और पिन की मदद से उसे सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद जो साड़ी का ये जो सबसे नीचे वाला प्लीट्स है उसे आप इस तरीके से बाहर लेके आएंगे और फिर साड़ी का जो सबसे लास्ट पार्ट है, जो बॉर्डर वाले पार्ट को छोड़ के होता है ये वाला पार्ट, इतना पार्ट आप छोड़ देंगे और यहाँ से प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से 3 फिंगर्स का यूज़ करते हुए आप प्लीट्स बना लेंगे। एक बार जब सारी प्लीट्स बन जाएंगी फिर आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा पीछे की तरफ लाते हुए यहाँ पे वेस्ट में सेंटर में टक कर लेंगे। इस तरीके से मैंने साड़ी को टक, और जो रेस्ट फैब्रिक है उसे आप ऐसे सामने की तरफ से लेके आएंगे और उसे लेंथ वाइज नहीं, उसको विड्थ वाइज, जैसे ये लेंथ वाइज है ये विड्थ वाइज है, इस तरीके से आप, मैंने विड्थ लिया और फिर मैंने छोटी छोटी प्लीट्स बना के उसे अपने वेस्ट में टक कर दिया। इस तरीके से मैं प्लीट्स बनाऊंगी। इसके बाद मैंने इसे कमर में इस तरीके से टक कर लिया। इस लुक के साथ आप वेस्ट बेल्ट भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपके कमर को थोड़ा सेप मिलेगा। मेरे पास अभी कोई वेस्ट बेल्ट नहीं है तो मैंने जो ये लॉन्ग सिल्वर नेकलेस पहना है इस तरीके से ही मैंने इसको ही एज अ वेस्ट बेल्ट यूज़ किया है। तो आप भी अपने, आपके पास भी अगर कोई ऐसी सिल्वर ज्वेलरी है, लॉन्ग नेकलेस सेट है, तो आप उसको इस तरीके से एज अ वेस्ट बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये रहा मेरा फाइनल लुक।
नेक्स्ट लुक के लिए मैंने अपने इंडिगो साड़ी को एक फॉर्मल शर्ट के साथ पेयर किया है। ये लुक आप ऑफिस में ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से जो नॉर्मल साड़ी की ड्रेप होती है, मैंने वन राउंड टकिंग कंप्लीट कर ली साड़ी की। फिर मैंने ऐसे शोल्डर की प्लीट्स को रफली गैदर कर लिया है और फिर उसे ऐसे पीछे की ओर से लाते हुए अपने लेफ्ट शोल्डर पे रख लूँगी। जितनी आपको लेंथ रखनी है आप रख सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आप फ्रंट की प्लीट्स बना लेंगे और उसे आप वेस्ट में टक कर लेंगे। इस लुक के साथ आप वॉच ऐड कर सकते हैं और ये लुक ऑफिस में काफ़ी अच्छा दिखता है। तो आप किसी भी फॉर्मल शर्ट के साथ ये फॉर्मल लुक इंडिगो साड़ी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट लुक के लिए मैंने अपनी साड़ी को डेनिम के साथ पेयर किया है। सो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, बाय।